खबर हो रही थी। तहसील से आई जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने बताया भीषण गर्मी को देखते हुए कान्हा गौशाला पहुंचकर औचित निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही कान्हा गौशाला में लगभग 250 पशुओं से मिले, जिस पर बता दें कि प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कान्हा गौशाला में पशुओं के लिए हरा चारा पानी आदि की व्यवस्था भी रहे ताकि भीषण गर्मी में पशुओं को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि गौशालों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा चारा पानी तथा साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित रहे और गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। अगर कोई भी गौवंश बीमार हो तो तुरंत उपचार दिया जाए। प्राइम डेली न्यूज चैनल के लिए भानु प्रताप कुशवाहा, तहसील कोच। यहाँ भीषण गर्मी को देखते हुए हमने तय किया कि एक गौशाला का निरीक्षण करके ज़िले में क्या स्थिति है उसको देखा जाए। यहाँ पशु करीब 250 संख्या में हैं, उनके लिए जो व्यवस्था है वो सुचारू पाई गई है। बस यहाँ पे जो गोबर इकट्ठा हो रहा है अभी उससे बायोगैस सृजित नहीं की जा रही है, उसके लिए ईओ साहब से बात हुई है क्योंकि ये नगर पालिका द्वारा संचालित है गौशाला, तो इसको जल्द ही चालू किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बंदोबस्त है वो दुरुस्त पाया गया है और आगे भी यही व्यवस्था रहे इसके लिए जो भी संभव सहायता हो सकेगी हम सबसे लेंगे। जो हमारे किसान बंधु हैं उनसे चारे की उपलब्धता के लिए हम हमेशा अपील करते रहेंगे यहाँ पे। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया लोगों के द्वारा कि काफ़ी राहत भी है किसानों को इस गौशाला के होने से, तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि आगे भी ये ऐसी गौशालाएं हम और खोल सकें और ज़िले में कुल मिला के आवारा पशुओं की जो समस्या है वो पूरी तरह से हल हो जाएँ।